चुनाव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरनगर की खतौली और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, वहीं मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी सपा और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। चुनावी दंगल है, लिहाजा प्रचार के दौरान खूब शोर भी सुनाई दिया, लेकिन अब बारी जनता की है। जनता तय करेगी कि उन्हें किस पर ज्यादा भरोसा है। पोलिंग बूथों पर सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं और वोट डालने में महिलाएं और युवतियां भी पीछे नहीं हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। बात मैनपुरी उपचुनाव की करें तो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई ये सीट सपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। सपा ने यहां से डिंपल यादव को तो वहीं बीजेपी ने रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा है। कुल 6 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। सुबह 7 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हुआ। मैनपुरी जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र सदर, करहल, भोगांव और किशनी के साथ इटावा के जसवंत नगर विधानसभा इलाके में वोट डाले जा रहे हैं। बता दें कि मैनपुरी में 1756 पोलिंग बूथों पर वोटिंग हो रही है। नेताजी से ज्यादा कितने वोट आप? नेताजी पहले जीते थे, उससे 3 गुना वोट से डिंपल जीतने जा रहे हैं। वोट आए कौन नहीं करेगा, हम सभी इतना पुलिस फोर्स लगा हुआ है, लगो तो आप मान लें कि 3 लाख वोटों से जीतेगा? हाँ, सब धराशाई धराशाई। रामपुर में हालांकि सुबह मतदान की रफ्तार सबसे धीमी देखने को मिली। सुबह के वक्त पोलिंग बूथों पर सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया लोगों के पोलिंग बूथों पर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। रामपुर से समाजवादी पार्टी ने आसिम रजा को उम्मीदवार बनाया है, वहीं बीजेपी ने आकाश सक्सेना पर भरोसा जताया है। उपचुनाव के दौरान सपा उम्मीदवार आसिम रजा ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बहुल इलाकों में लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। क्या हुआ? ये मतलब भाजपा वाले बदमाशी कर रहे हैं, उन्होंने कुर्सी तोड़ दी, मेज तोड़ दी हमारी सारी, और लिस्टें भी ले गए हमारे यहाँ से उठाने के बाद। अब ये क्या रह गए, संस्कार कहाँ रह गए, कहाँ रह गया, क्या नाम है इलेक्शन कमीशन, कहाँ है इलेक्शन कमीशन, कहाँ पे सिस्टम, ये भी जरा लीजिए, ले लीजिए। भाजपा खुला खुले अंदाजा नाच हो रहा है, गलत बात। कई दिग्गज भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी रामपुर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो दुकानें धर्म और जाति के नाम पर चल रही थी, वहाँ तालेबंदी की नौबत आ गई है। वो तमाम वो दुकानें जो दुकानें की जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे ठेकेदारी करती थी, वो आज जो है वो वहाँ तंगी और मंदी और तालाबंदी की हालत खड़ी हुई है। दो दिन में 2 मुकदमे हुए आजम खां पर चुनावी प्रचार में। देखिए, यहाँ मैं किसी व्यक्ति पे कुछ नहीं कहता, कानून का अपना काम है, वो कानूनी जो प्रक्रिया है वो अपने वो करेंगे। कोई लड़ाई, कोई भी चुनाव होता है वो व्यक्ति के नहीं होती बल्कि विचारधारा की होती है। सर, रामपुर, मैनपुरी, खतौली तीनों सीटों पर कमल खिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी तीनों जगहों पे प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी, और न केवल ये उपचुनाव में बल्कि गुजरात के चुनाव में, हिमाचल के चुनाव में, दिल्ली में जो MCD के चुनाव हो रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम का असर समाज के सभी वर्गों में बहुत साफ, बहुत स्पष्ट तौर से दिखाई पड़ता है। महिलाओं ने एक आवाज उठाई है कि आजम खान की गिरफ्तारी को लेकर कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। मैं उस पर कुछ लोगों का मानना है कि रामपुर में ईगो की लड़ाई हो रही है, मुद्दे कहीं किनारे छूट गए हैं। देखो, मुझे लगता है ईगो वगैरह की लड़ाई तो होनी भी नहीं चाहिए, और एक चीज सबको समझना चाहिए कि कोई चुनाव आखिरी चुनाव नहीं होता, कोई जीत आखिरी जीत नहीं होती, कोई हार आखिरी हार नहीं होती। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव जीतती है तो उसके बाद आज ही आप देखिए चुनाव हमारा हो रहा है, लेकिन हमारी पार्टी की लीडरशिप जो है वो अगले चुनाव की तैयारी कर रही है। लोगों के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाना है, किस लेखे जोखे को लेकर जाना है कर रहे हैं। इसलिए ये नहीं होता कि एक चुनाव हो गया और कंबल ओढ़ के आप सो गए बैठ गए, और कुछ लोग तो पॉलिटिकल पर्यटन के बहुत प्राणी हो गए हैं। खतौली में भी उपचुनाव को लेकर लोगों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोग बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पोलिंग बूथों पर पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं।
खतौली में बीजेपी और सपा के साथ आरएलडी के गठबंधन के बीच सीधी टक्कर है। वहीं बीएसपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। बीजेपी ने खतौली से निवर्तमान विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को तो वहीं आरएलडी ने चार बार के विधायक रहे मदन भैया को मैदान में उतारा है। इन दोनों के बीच सीधे मुकाबले के आसार है। मेरा मकान बना जी ढाई लाख रुपए आए मैंने उसके ऊपर लोट गिरेगी तो किसकी सरकार मतलब किसे चाहते हैं विधायक कौन मैं मोदी को चाहता हूँ जी बस और कुछ नहीं चाहता। महिला सुरक्षा के बारे में ऐसा पहले सेफ्टी नहीं थी महिला की अब ज्यादा सेफ्टी है। पहले महिला कहीं नहीं आ जा सकती थी अब मतलब टाइम से भी अपना घर आना जाना कर सकती है और टाइम से अब महिला आराम से आ जा सकती है अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। इन सीटों पर लड़ाई दिलचस्प है और 2024 से पहले यूपी की इन सीटों पर जनता के मिजाज को भापने का सुनहरा मौका भी सियासी पार्टियों के पास है। देखना दिलचस्प होगा कि इन सीटों के चुनाव परिणाम किसके फेवर में जाते हैं। मैनपुरी से आदेश जैन, मुजफ्फरनगर से आदेश सैनी और रामपुर से अरविंद तिवारी के साथ टीम एबी स्टार न्यूज। यूपी में उपचुनाव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरनगर